पानी कैसे होगा सारा काम, कौन लगाएगा चांदनी चौक के चक्कर। अरे भाभी आप टेंशन मत लो पिंकी की शादी की, मैं हूं ना पिंकी की चाची, मैं लगाऊंगी चक्कर चांदनी चौक के। आप बस हुक्म करो अपनी देवरानी पर, देखो मैं कैसे जाती हूँ। बस भाभी गाड़ी करा देना, वो मेरी एड़ियां ना फट रही है, मेट्रो से चला नहीं जाएगा। ठीक है करा देती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ जाओ जाओ तैयार हो आप जाओ। हाँ भाभी तैयार हो जाती हूँ। पिंकी तेरे साथ पार्लर ना मैं चल लूंगी, भाभी को तो 36 काम होंगे उस दिन, और अपने दोस्तों को सरप्राइज भी कर दियो अपने ब्राइडल लुक से। बस मैं तेरी पार्लर वाली से ना लाइट सा मेकअप करवा लूंगी और जूड़ा करवा लूंगी। हाँ हाँ चाची चल लेना चल लेना। रवीना फूल की थाली ला दे। हाँ भाभी आई। हल्दी कहाँ रख दी? अरे बरनी के पास भी कोई बैठ जाओ, मेहंदी लग रही है उसके। मैं जाती हूँ। अरे भाभी मैं चली जाऊंगी, आप आराम कर लो। ठीक है ठीक है। मेहंदी वाली से मैं भी मेहंदी लगवा लूंगी। लेकिन बर्तन, लड़की की माँ को कहाँ आराम है, मुझे करना पड़ेगा। अरे मम्मी भाभी ने पिंकी के कार्ड के साथ सिर्फ 2000 रुपए ही भिजवाए, और इनको भैया एक बार भी नहीं क्या क्या है कि जीजा जी पिंकी की शादी है आ जाना। बस भाभी ने फोन घुमा दिया कि जीजा जी आ जाना। ठीक है मेरे बच्चों की भी शादी आएगी ना तब देखूंगी मैं। अरे भाभी ने मुझे मेरी शादी में क्या दे दिया था, 1 सोने का गले का सेट दे दिया था और 2 सोने के कंगन दे दिए थे, तो उस हिसाब से मैंने भी दे दी पिंकी को चांदी की पायल। अरे बुआ हूँ मान हूँ, इस कायदे से तो भाभी को मुझे और देना चाहिए, देता ही रहना चाहिए। 5000 का पेट्रोल खर्च करके हम एक टाइम चाय पीने आए, वो भी ऐसी। अरे इनको तो भाभी 1 गिलास दूध दे गई थी पानी मिला के। मेरे देवर की शादी में ना पूरी रात मेहंदी लगी तो पूरी रात चाय चली थी। मैं कह रही थी भाभी मैं और आपकी जीजा जी नीचे गद्दे पे नहीं सो पाएंगे, ऊपर एसी वाला कमरा दे दो, वो इनको ना डॉक्टर ने कमर की दर्द की शिकायत बताई है और अब तो बवासीर भी हो गई है। हाँ ले लो कोई नहीं ए जी चलो। हाँ ठीक। पता नहीं कैसे होगा सारा काम, कैसे संभलेगा, सारे रिश्तेदार आ गए लेकिन अभी तक खाना नहीं बना। पिंकी के पापा हलवाई को बोलो ना थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा, पता नहीं कैसा हलवाई लेकर आ गए हैं। सारा काम मैं ही संभालूं। पिंकी चली जाएगी जो तैयार कर देती थी मुझे कि मम्मी ये लगा लो, मम्मी ऐसे साड़ी पहनो, कौन बताएगा उसके बाद। पिंकी की मम्मी कहाँ हो? हाँ आ रही हूँ। अरे भाभी तैयार नहीं हुई? अरे कहाँ टाइम मिल रहा है मुझे, मैं कुछ भी पहन लूंगी। आप एक काम करो फोटोग्राफर को फोन करो, बात पहनना है फिर पिंकी पार्लर जाएगी तैयार होने। अरे फूल वाले भैया इधर लगाओ फूल। पिंकी बेटा बताओ अपनी शादी में मौसी से क्या लेगी? अरे मौसी क्या करोगी, क्यों नहीं लेगी, मौसी नहीं हूँ मैं तेरी। अरे रहन देना कोई जरूरत नहीं, तू चुप हो जा सुशीला, मेरी बेटी नहीं है पिंकी। अच्छा बता क्या नहीं, दामाद जी को कुछ चाहिए, तुझे कुछ चाहिए, सब दिलवा देंगे हम, हमारे पास सब कुछ है। कार निकलवा दूं मौसा जी से मैं बात करूं, बता कौन सी कार ली? फोर्ड वैगनर निकलवा दूंगी। रुक जा भी मौसा जी से बात करती हूँ, नंबर निकालिए इसमें से ले ली। बहन खाना लगा दू, खाना खा ले तू। अरे मैंने तो खाना खा लिया, अब जाके पिंकी को खिला दे, सुबह से लड़की ने कुछ भी नहीं खाया है। एक काम कर तू खाना ला दे मैं खिला दूंगी, तू हल्दी की तैयारी कर जा, रुक जा। ठीक है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, हट मैं बनाऊं चाय हट। अरे बहन तू परेशान क्यों हो रही है, तेरी बेटी की शादी मतलब मेरी बेटी की शादी, मैं बना लूंगी कुछ चाय, जा तेरी ननद बुला रही है जा। हाँ आई दीदी। ये वाला सेट पहना के भेज दूंगी पिंकी को, है ना सही लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा पिंकी इतनी बड़ी हो गई, पहले जब छोटी थी तो मौसी मौसी करके लिपट जाती थी मुझसे। अच्छा बहन ये ले 50,000 रुपए। अरे पागल हो गई है क्या, हट। अरे रख
बेटी की शादी में जरूरत पड़ेगी, जब काम हो जाए तो वापस कर दियो, ये ले। पर हाँ, जीजा जी को पता ना लगे ये मेरी सेविंग है। हाँ तू भी ना, बेफालतू में परेशान होती है। है जीजी, मैं कह रही थी कि अगर जगह कम पड़ रही हो तो कुछ रिश्तेदारों को भेज दो मेरे घर पे। अक्षय के ऊपर वाला कमरा खाली है। ठीक है भेज दे। हाँ भेज दो, वॉशरूम एकदम चकाचक कर दिया है मैंने। हाँ भेज दो भेज दो। ये लो जीजी नए ग्लास का सेट, ये लो जीजी नया चमचा लिया था, रिश्तेदारों के खाना परोसने के काम आ जाएगा। लो मैं ही रख देती हूँ। ये लो जीजी मेरा लड़का पूरे दिन गेम ही खेलता रहता है, आपके गद्दे उठाने के काम आ जाएगा। जा गद्दे उठा उधर से, उधर रख दे। है जीजी ढोलक चाहिए? मेरे पास है ना। सुनिए बेटा, घर जाके ऊपर वाली कवर्ड है ना, उसमें ढोलक रखी है, वो ले आ जाके। जा दौड़ के जाइयो, बाग के आइयो। हाँ ला। है जीजी पिंकी हमारे घर में बचपन से खेली है, जब इत्तू सी थी ना तब आई थी हमारे घर में पहली बार। कन्यादान हम भी लेंगे उसका, बेटी की तरह मानते हैं उसको हम। हटो मैं बनाऊं चाय, हटो। हाँ भाभी बड़ा वाला कुकर है ना। सोनिया जल्दी से भाग कर जाओ घर से, बड़ा वाला कुकर लेकर आओ। हमारी रसोई है ना, उसके लेफ्ट साइड में बड़ी सी कवर्ड है, उसमें ही रखा है। पापा है घर पे, पापा से उतरवा लेना। जाओ जल्दी हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाना, एरोप्लेन पे बैठ कर आना। जाओ ले आएगी जल्दी से, जल्दी से पकौड़े बना देती हूँ मैं। और पिंकी डार्लिंग वैक्सिंग होगी? हाँ जी भाभी। अरे वहां की कह रही हूँ। अच्छा सुनो, लेस वाली नाइटी ले लेना सुंदर सी, हमारे जीजा जी खुश हो जाएंगे। भाभी आप भी ना, क्या कह, उसमें शर्माने वाली बात क्या है। अच्छा वैसे लिटिल लिटिल लोगी लेकर आऊं जूस में मिला के? नहीं। क्या हो, वैसे टेस्ट ड्राइव तो कर ही ली होगी जीजा जी के साथ। भाभी कुछ भी। अरे ननद रानी तो बड़ी शर्मीली है। वैसे तुम्हें पता है शादी से पहले मैंने और तुम्हारे भाई ने भाभी आप भी ना क्या बातें कर। लाओ तुम्हारे उनसे ही पूछ लेते हैं। भाभी नहीं, नहीं। डांस करो ना, अब डांस क्यों नहीं कर रही हो? जाओ मम्मी भाभी को डांस कराओ। हाँ वो तो मैंने प्रिपेयर किया है, जा रही हूँ डांस करने। कंग्रेचुलेशन। अरे मुझे, अरे मैं आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।